नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेडअप स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आपको आईटीबीपी की वर्दी चाहिए मेरे भाई, अगर आप सीरियस हो, सीरियस कैंडिडेट हो, मैं मतलब उन सब कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा जो केवल फॉर्म भरते हैं और सो जाते हैं, मैं उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना और अपने आप को साबित करना चाहते हैं फौज की वर्दी पाकर। तो आप अगर आईटीबीपी की वर्दी चाहते हो तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आईटीबीपी की सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसी चैनल में मिलती है। हर एक वैकेंसी के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, वैकेंसी पब्लिश होने से पहले ही, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लो। मगर आज भी मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आपके फिजिकल से रिलेटेड है, कि फिजिकल कब होगा आप सभी का, और अपनी तैयारी भी आप उसी पर। अगर आईटीबीपी का आपने कोई भी फॉर्म डाला हो, चाहे वो एनिमल ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे एजुकेशन स्टेज काउंसलर का हो, चाहे आपने किचन सर्विसेज का हो, चाहे आपका ट्रीट्समैन का हो, चाहे आपका पैरामेडिकल का हो, चाहे जो भी भर्ती आई हुई आईटीबीपी में अभी 2024 रिसेंट में, अगर आपने फॉर्म डाला है तो सबसे पहला काम ये करो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लासेस भी मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है और इन्फॉर्मेशन एकदम जेन्युइन मिल रही है, और आने वाली जो अदर वैकेंसियां भी उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूँ। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं फिजिकल डेट के बारे में, कि फिजिकल कब तक होने वाला है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो मैं स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो एकदम सीरियस कैंडिडेट है, उन्हीं की बात करो। कमेंट बॉक्स में तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आके भोगना शुरू करेंगे, मगर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एकदम जेन्युइन है, जो मेरी बात मानते हैं और सिलेक्शन के बाद मुझे कॉल करते बोलते हैं सर आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है मेरा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो मतलब फिजिकल होने वाला है वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो प्रिपरेशन है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, प्रिपरेशन आप सभी की कंप्लीट हो चुकी है, जो भी थी वहां से जितना मुझे पता चला, क्योंकि वो मतलब कि वहां पर बोर्ड मेंबर वगैरह जो थे वो बनना शुरू हो चुके हैं और डिटेलमेंट शुरू हो चुकी है, जो जो वहां पर लगेंगे आपके फिजिकल वगैरह में उनकी डिटेलमेंट शुरू हो चुकी है। अब ये है कि कंडक्ट कब कराना है इसके बारे में बात कर लेता हूं। देखो मैं आपको बता दूं आप सभी से, इसको अभी आईटीबीपी जो है ना वो बिजी है, आप सभी को पता है दो चीजों में, एक एसएससी का जो एसएससी जीडी चल रहा है और सीपीयू चल रहा है। ठीक है, ये दो जगह पे क्या है भाई, बिजी है। अभी नवंबर, 8 नवंबर तक आईटीबीपी पूरी तरह से फ्री हो जाएगी, बिल्कुल फ्री हो जाएगी आईटीबीपी। और आईटीबीपी का क्या होता है कि आईटीबीपी अधिकतर जो फिजिकल कराई हो वो अधिकतर ठंडी के मौसम में ही कराया गया। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, ये नवंबर के बाद आप सभी को दिसंबर और जो जनवरी होने वाला है, ये ऐसा एक ड्यूरेशन होने वाला है जिसमें आप सभी के फिजिकल शुरू होने वाले, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है और मैं आपको पहले से बता रहा हूं। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका पेपर है प्रूफ, पेपर है भी प्रूफ मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से ऐसे बोलता हूं, इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरा बताना आपको कर्तव्य है। मैं अभी नहीं कहूंगा कि आप दौड़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं कहूंगा कि अभी आप दौड़ो यार, अभी नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा कि यार आज से ही दौड़ना शुरू करो, नहीं, अभी आपके पास टाइम है, नवंबर बीतने दो, दिसंबर जनवरी, आप नवंबर के लास्ट से जो है वो दौड़ना शुरू कर सकते हो, या हो सकता है अचानक डेट भी आ सकती है, मगर मैं जितना बताऊं दिसंबर और जनवरी बताया जा रहा है कि उस समय हो जाएगा फिजिकल आप सभी का, तो अपना आप दौड़ना शुरू कर सकते हो। नवंबर, अभी अक्टूबर भर थोड़ा रेस्ट वगैरह करो जो भी करना है, नवंबर के मिड के बाद, नवीन नवंबर के बाद, यानी 8-10 नवंबर के बाद से आप दौड़ना शुरू करते हो, इतने में आपकी तैयारी हो जाएगी, 1600 मीटर की तैयारी हो जाएगी। इतना भी नहीं है कि आपको 5.5 मिनट में थोड़ी आना है, आराम से 7.5 मिनट का टाइम आप आ जाओगे। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप नवंबर के बाद रनिंग अपनी शुरू कर दो। अभी जो मेन फोकस रहने वाला है ना आपको, वो अपने रिटर्न वगैरह को पे फोकस रखो, अपने सिलेबस वगैरह पे कंप्लीट करने की बात रखो। ठीक है, देखो अगर आप सीरियस हो गए तो आप ओवरऑल सारी चीजें देखोगे, ऐसा नहीं है कि यार फिजिकल निकलेगा फिर रिटर्न करेंगे, रिटर्न निकलेगा फिर इसका डीवी अपने पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर यार मेडिकल नहीं, ऐसे चीजें मत करो, ये बिल्कुल भी इरेगुलर चीजें होती हैं और ये बिल्कुल शोभा नहीं देती, जो एकदम से हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है उस पर शोभा नहीं देती ये सारी चीजें। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो होता है वो पूरी प्लानिंग करता है, पूरी प्री प्लानिंग करता है कि यार हाँ ये चीजें ऐसे होंगी तो मैं इसके लिए ऐसा तैयार हूँ, फिजिकल की ऐसा तैयारी कर लिया है मैंने, रिटर्न कैसे तैयारी कर लिया, मेडिकल भी मेरा कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट भी मेरे कंप्लीट है, वो इस तरह से थिंकिंग रखता है क्योंकि उसको पता है, वो कॉन्फिडेंस में रहता है कि यार मैं फाइनल तक पहुंचूंगा। मगर जो बच्चे होते हैं ना कि सोचते हैं यार मैं फिजिकल निकालूंगा फिर रिटर्न निकालूंगा फिर उसके बाद ये करूंगा, उनको ये बिल्कुल क्लियर ही नहीं रहता कि वो फाइनल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, वो डाउट में रहते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं, उनको लगता है कि उनसे एग्जाम निकलेगा ही नहीं, बिना पैसे दिए सिलेक्शन होता ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है, इसलिए वो कभी भी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं रहते। मगर एक जो एकदम से हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है वो पहले से ही देख रखा है, पर्सपेक्टिव बना लेता है कि यार मुझे फाइनल तक पहुंचना है तो मुझे ये स्टेज क्वालिफाई करने पड़ेगा, मुझे पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आप सभी को मैं बता रहा कि अभी फिजिकल है, फिजिकल को भी थोड़ा है टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं कि आराम से तैयारी कर लोगे, पैनिक होने की होते हैं, मगर फिर भी आप सभी से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपने रिटर्न पे देख लो, अपने मेडिकल पे देख लो, अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है नहीं कहीं, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ये सारी चीज़ें करके रख लो,
ताकि जैसे प्रोज को ये आपको पता है, देखो बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है, पिछले साल का भी दिखा होगा, इससे पिछले साल का भी दिखा होगा कि पिछले साल तो आपने देखा ही होगा कि, और मेरे टाइम पे भी जब मेरी भर्ती थी 2019 में, आप आईटीबीपी का एक बार प्रोसेस शुरू होता है ना, और बीच में अगर कोई व्यवधान ना आए, बीच में कोई भी इंटरप्ट ना, जैसे कि कोर्ट केस वगैरह कुछ ऐसा ना हो, तो यार इतना स्मूथली प्रोसेस चलता है ना कि महीने दो महीने के अंदर सारा स्टेज क्वालिफाई हो जाता है। फिजिकल हुआ, फिजिकल के दो महीने बाद उन्होंने रिटर्न हुआ, फिर डेढ़ दो महीने बाद आपका जो भी स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट हुआ, डीवी मेडिकल हुआ, तो बहुत जल्दी प्रोसेस, मतलब कि इनका पैकेट जो होता है 4-5 महीने का पैकेट रहता है, उस पैकेट में पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि फिजिकल शुरू होने में टाइम है, मगर इससे पहले आपके पास ये टाइम होना चाहिए, कम से कम आपके पास 3-4 महीने की प्लानिंग होनी चाहिए, जिसमें आप ये सोच सको कि यार मेरा रिटर्न में नंबर कितना आ रहा है, मैं रिटर्न तैयार है, फिजिकल मैं निकाल लूंगा, कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी तो आप आगे अगले स्टेज की तैयारी करोगे। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डाउट में, तो आप अगले स्टेज की तैयारी नहीं करोगे, ठीक है। सिंपल सी बात जो कहूंगा मैं आप सभी को, ठीक है। तो रियलिटी बता रहा हूँ आप सभी को, अपनी प्रिपरेशन आप बिल्कुल सीरियस होकर शुरू करो। फॉर्म डाल दिया था, बैठे थे यार कि कब आएगा, मगर अब अपनी प्रिपरेशन जो है सीरियस नोट पे। अब देखो यहाँ पर ये भी सवाल है कि सर किसका फिजिकल पहले होगा। देखो हमेशा से आईटीबीपी क्या है, एक शेड्यूल बनाता है, वो शेड्यूल अभी मेरे पास आया नहीं है, मैं बता दूंगा कि शेड्यूल के हिसाब से कि किसका किसका पहले, जो पिछले साल था शेड्यूल मेरे पास आ गया था, मैंने बता दिया था कि इस डेट पे पहले इसका होगा, जैसे मान लो पहले एनिमल का होगा फिर इसका होगा, ऐसे करके बताया था एग्जांपल के तौर पे, पिछले साल मैंने बताया था, इस साल भी मैं आपको बता दूंगा जब मेरे पास पूरा पूरा शेड्यूल आ जाएगा आईटीबीपी से, और आईटीबीपी से आ ही जाएगा यार, क्यों टेंशन लेते हो। जब वैकेंसी के बारे में 3 महीना पहले बता सकता हूं, तो इस शेड्यूल वगैरह के बारे में तो बता ही दूंगा आप सभी को, ठीक है। टेंशन ना लो, हर एक चीज बताऊंगा अपडेट को, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, कमेंट बॉक्स जो भी डाउट है बता देना। बाकी जो अपनी प्रिपरेशन में केवल फिजिकल को नहीं, सर बोलोगे सर क्या फिजिकल नहीं, फिजिकल के लिए मैं पूरा आया ही नहीं था, एक्चुअली बात है मैं फिजिकल के लिए आया ही नहीं था, मैं ये आया था आप लोग को दिखाने के लिए कि अपना जो माइंडसेट है, अपनी प्लानिंग है वो रख लो, अपनी वो अपनी प्लानिंग रख लो आप सभी, कि यार केवल ये नहीं कि फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तब अगला ने, पूरी प्लानिंग रख लो, अपना सिलेबस वगैरह सब कुछ अपना कंप्लीट करके, अपने मेडिकल, मतलब ये सब सारी चीजें अपने, मतलब ये है कि फाइनल तक पहुंचने में मतलब ऐसा ना लगे यार हाँ कि कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे, मतलब फाइनल सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ऐसी तुम्हारे अंदर फीलिंग आनी चाहिए। अच्छा ऐसी फीलिंग आएगी तो वर्दी तुम्हारी है भाई, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो फिर अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स से पूछना, बाकी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो दिल से यहाँ से, अभी तक तो केवल फॉर्म भर के बैठे थे, दिल से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे ना, दिल से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। चलिए फिर अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।